स्टार्ट। हेलो विद्यार्थियों, रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। माय सेल्फ दिनेश कुमार मीणा, डीके सर, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम हिंदी में आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द विचार। शब्द विचार जो टॉपिक है, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेगा। शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत 8 टॉपिक लगते हैं। कितने लगते हैं विद्यार्थियों? 8 टॉपिक लगते हैं। अब 8 कौन कौन से हैं? देखो, शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विकारी शब्द, एक तो होते हैं विकारी शब्द, और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी, ये दो प्रकार के शब्द होते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं, इनको विद्यार्थियों अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं अविकारी शब्द ही अव्यय होते हैं और अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि विकारी और अविकारी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन व काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, और जो नहीं होते हैं, जो लिंग, वचन व काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द, और अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। शब्द की अगर परिभाषा की बात की जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द एक नॉर्मल सी चीज है और आप बता सकते हो आराम से इसकी परिभाषा कि दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब बात आती है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो संज्ञा, एक होते हैं सर्वनाम, एक होते हैं विशेषण, और एक होती है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो है हमारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, 4 जो है ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। एक होते हैं संबंध बोधक अव्यय, एक होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द और 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। 4 प्रकार के विकारी कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी जो परिवर्तित नहीं होते, चाहे लिंग, वचन और काल किसी के भी अनुसार ये परिवर्तित नहीं होते हैं, और इसीलिए इनको अव्यय कहते हैं। अव्यय अपरिवर्तनशील होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो 4 और 4 8 टॉपिक, ये हमें शब्द के अंतर्गत पढ़ने हैं, और ये लगभग जितने भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी आती है वहां कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी व्याकरण के अंदर ये 8 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले विकारी शब्द। अब देखो, विकारी शब्द
विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन व काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, वे शब्द जो लिंग, वचन व काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार प्रकार के जो है वो विकारी शब्द होते हैं। अब देखो, संज्ञा, संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव का नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम जो होते हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, भला, नेक, ईमानदार, बेईमान आदि। इसके बाद क्रिया, क्रिया जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, नाचना आदि। तो ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, ये जो कहलाती है संज्ञा कहलाती है। ठीक है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे आदि। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, भला, नेक, ईमानदार, बेईमान आदि। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी कार्य का होना या किया जाना क्या कहलाती है? क्रिया, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, नाचना आदि। तो ये होते हैं हमारे चार कौन से? विकारी शब्द। अब इसमें से हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञा। अब जैसे पहला टॉपिक हमने लिया संज्ञा। संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम। जैसे परिभाषा की अगर बात की जाए संज्ञा की, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को, किस किस को? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को जो है वो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को जो है वो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति के अंतर्गत प्राणी आ जाते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? समस्त प्राणी आ जाते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत समस्त प्राणी आ जाते हैं, जैसे कि राम, श्याम, शेर, चीता, पक्षी, मोर आदि। जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मतलब जिनमें प्राण है, जितने भी प्राणी है, प्राणी का मतलब जिनमें प्राण है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? व्यक्ति। और व्यक्तियों के नाम किसमें आते हैं? संज्ञा। वस्तु यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि पेन, कापी, कूलर, पंखा,
मेज, कुर्सी आदि। जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, सभी वस्तुओं के नाम जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा। स्थान, जितने भी स्थान हैं, जैसे कि कोटा, जयपुर, झालावाड़, बूंदी आदि, जितने भी स्थानों के नाम, चाहे वो नदी, पहाड़, जंगल, कुछ भी हो, खेत, चट्टान, घर, मकान, स्कूल, जितने भी स्थान हैं, स्थान के जो नाम है वो सब किस में आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत। भाव, जितने भी भाव है, जैसे कि क्रोध, भाववाचक संज्ञा है, भय, भाववाचक संज्ञा है, लोभ, भाववाचक संज्ञा है, दया, भाववाचक संज्ञा है, कृपा, भाववाचक संज्ञा है, स्नेह, भाववाचक संज्ञा है, ममता, भाववाचक संज्ञा। जितने भी भाव है, भाव मतलब फीलिंग्स, जिन्हें हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, वो हमारे भाव कहलाते हैं। और भाव जितने भी होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है, यानी कि संज्ञा ही होती है। स्थान जितने भी है संसार में, उन स्थानों के नाम जो है वो संज्ञा होती है। जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, समस्त वस्तुओं के नाम जो है वो संज्ञा है। और व्यक्ति यानी कि प्राणी जितने भी है, प्राणधारी जितने भी है, वो सब भी संज्ञा ही होती है। यानी कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम और किसी भी भाव का नाम जो है वो संज्ञा ही होती है। अब बात आती है कि संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो है वो मुख्यतः तो तीन प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः कितनी होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होती है जातिवाचक संज्ञा। और एक होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है द्रव्यवाचक और एक होती है समूहवाचक। एक तो होती है भाव, सॉरी, द्रव्यवाचक और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये मुख्यतः तो तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर प्रश्न आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा जो है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसके दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है द्रव्यवाचक और एक होती है समूहवाचक। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए। अगर कोई शब्द किसी एक का ही बोध कराता है, व्यक्ति विशेष हो, वस्तु विशेष हो, स्थान विशेष हो, अगर एक का बोध कराए तो वो व्यक्तिवाचक होती है। और एक से अधिक का बोध यदि कोई शब्द करवा रहा है तो फिर वो जातिवाचक होती है। और भाववाचक में जो भाव है, हम सब जानते हैं, जो फीलिंग्स है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आती है बात द्रव्यवाचक। देखो, द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य, द्रव्य के अंतर्गत तीन चीज आती है, ठोस, तरल, गैस। ठोस, तरल और गैस, यानी संसार में जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा, जितनी भी तरल वस्तुएं हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा, और जितनी भी गैसीय वस्तुएं हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगी कि संसार में जितने भी ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैसीय अवस्था में जो पदार्थ हैं उन सबके नाम द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। आई नहीं बात समझ में? जैसे दूध, पानी, शक्कर, पत्थर, लकड़ी, चट्टान, कुछ भी हो, सब द्रव्य है। रेत, चावल, गेहूं, दाना,
जो भी है सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। उसके बाद आती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक, जैसे कि भीड़, दल, जत्था, रेवड़, गिरोह, कक्षा, सेना, टीम, बहुत सारे शब्द है ना। संसद भी समूहवाचक संज्ञा है। परिवार समूहवाचक संज्ञा है। यानी ऐसे शब्द जो एक से अधिक यानी समूह का बोध कराए वो समूहवाचक। लेकिन अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक और समूहवाचक अगर नहीं दे रखा हो, सिर्फ जातिवाचक दे रखा हो, तो फिर हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक के जो उदाहरण होंगे वो किसमें लगा सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों उपभेद किसके? ये भी उपभेद जातिवाचक का और ये भी उपभेद जातिवाचक का है। तो हमें इन दोनों के जो उदाहरण है वो किसमें लगा सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष का बोध कराए, जातिवाचक एक से अधिक का बोध कराए, भाववाचक भाव का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक में हमारे तीनों प्रकार की चीजें आ जाती है, कौन कौन सी? ठोस, तरल, गैसीय, वो द्रव्य में आ जाते हैं। और समूहवाचक में जो समूह का बोध कराए यानी भीड़ का बोध कराते हैं वो शब्द समस्त समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब अगर बात की जाए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की, तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक तरफ लिख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु व विशेष स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु व विशेष स्थान का बोध न कराकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब हम दोनों के कंपैरिजन में उदाहरण लिखेंगे ताकि आपको इनमें अंतर भी पता चले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जैसे कि राम, श्याम, मोहन, पर्टिकुलर किसी के नाम है व्यक्ति विशेष। भाई राम किसको कहेंगे? जिसका नाम राम है उसी को राम कह सकता है, नेता के हर लड़के को राम नहीं कह सकते, यानी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। श्याम भी पर्टिकुलर, हर लड़के को श्याम नहीं कह सकते, जिसका नाम श्याम है उसी को श्याम कहेंगे। और मोहन भी हम हर किसी को मोहन नहीं कह सकते, यानी कि जिसका नाम मोहन है उसी को मोहन कह सकते हैं। अगर हम इनकी जातिवाचक की बात करें तो इनका जातिवाचक हो जाएगा लड़का। हम राम को भी लड़का कह सकते हैं, श्याम को भी और मोहन को भी। तो लड़का तो इन तीनों की जाति का बोध करा रहा है, लेकिन राम, श्याम और मोहन हर लड़के का बोध नहीं करा रहा है, यानी पर्टिकुलर किसी एक लड़के का बोध करा रहा है। सीता, गीता, रीता, सीता, गीता, रीता, अगर इनके जातिवाचक की बात की जाए क्या हो जाएगा? लड़की। गंगा, यमुना, सरस्वती। अब ये देखो, गंगा हर नदी को नहीं कह सकते, यमुना हर नदी को नहीं कह सकते, और सरस्वती हर नदी को नहीं कह सकते, लेकिन इन तीनों को हम नदी तो कह सकते हैं। तो नदी तो हर स्थान के लिए यूज हो सकता है जहां पानी बहता है, ठीक है, लेकिन हर बहते हुए पानी को गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं कहा जा सकता है। तो फिर ये तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक विशेष नदी है, ये भी विशेष नदी है, ये भी विशेष नदी है ना। तो इनको तो हम व्यक्तिवाचक में रखेंगे, और नदी शब्द को हम जातिवाचक में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हर बहते हुए पानी को नदी कहा जा सकता है, लेकिन हर बहते हुए पानी को गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं कहा जा सकता है। ये विशेष नदी है, यमुना भी विशेष है और सरस्वती भी विशेष है। रामायण, महाभारत,
रामायण भी एक ग्रंथ है, महाभारत भी एक ग्रंथ है, अर्थात धार्मिक पुस्तकें हैं ये, लेकिन महाभारत को रामायण और रामायण को महाभारत नहीं कह सकते हैं, ये एक विशेष ग्रंथ के नाम है तो जाति व्यक्तिवाचक होंगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं पुस्तक, तो पुस्तक तो हम रामायण को भी कह सकते हैं और पुस्तक हम महाभारत को भी कह सकते हैं, यानी कि ये दोनों का अगर जाति का बोध कोई सा शब्द करवाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। कोटा, जयपुर, झालावाड़, कोटा, जयपुर, झालावाड़ एक विशेष स्थान के नाम है और इनका जातिवाचक जो है शहर और जिला, शहर और जिला दोनों को यूज कर सकते हैं, कोटा को भी शेयर कर सकते हैं, जयपुर को भी और झालावाड़ को भी, है ना, कोटा को भी जिला, जयपुर को भी जिला और झालावाड़ को भी जिला कह सकते हैं। तो इनका जो जातिवाचक हो जाएगा वो शहर और जिला हो जाएगा। एरावत, चेतक, टोमे और कामधेनु। अब देखो इनका जातिवाचक, एरावत का जातिवाचक जो है वो क्या हो जाएगा, हाथी। भाई हर हाथी को एरावत थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन एरावत को तो कह सकते हैं, तो ये तो विशेष हाथी का नाम है एरावत, तो इसका जातिवाचक हाथी। चेतक का जातिवाचक क्या हो जाएगा, घोड़ा। टोमी का जातिवाचक क्या हो जाएगा, कुत्ता। और कामधेनु का जातिवाचक क्या हो जाएगा, गाय। ठीक है, तो जातिवाचक क्या हो जाएगा, एरावत का हाथी, चेतक का घोड़ा, टोमी का कुत्ता और कामधेनु का गाय। तो आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर। व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम जो आए तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि ये। जातिवाचक एक से अधिक, जाति विशेष का बोध अगर कोई शब्द करवा रहा है तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, न कि व्यक्तिवाचक। मैंने आपको दोनों कंपैरिजन में इसलिए बताया ताकि आपको अंतर भी पता चले, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अब देखिए इधर, अब बात यह आती है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदल सकते हैं ना। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन कौन सी देखें आप, रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है, पदों के नाम, पदों के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, किसी भी रिश्ते का नाम हो, रिश्ते के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी, किसी भी पशु या पक्षी का नाम हो हमेशा जातिवाचक संज्ञा, किसी भी वस्तु का नाम हो हमेशा जातिवाचक संज्ञा, और किसी भी पद का नाम हो उसमें भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। रिश्तों के नाम में जैसे कि चाचा, अब क्यों होती है, देखो आप, चाचा पापा के अगर तीन छोटे भाई हैं तो हम तीनों में से किसी को भी चाचा बोल सकते हैं, यानी चाचा शब्द तो कॉमन हो गया ना हमारे लिए, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए थोड़ी चाचा यूज कर रहे हैं हम, एक से अधिक के लिए चाचा शब्द यूज कर रहे हैं, तो चाचा जातिवाचक, और चाची जातिवाचक, मामा जातिवाचक, मामी जातिवाचक, नाना जातिवाचक, नानी जातिवाचक, समस्त शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होगी। पशु पक्षियों के नाम जैसे कि तोता, मैना, शेर, भालू,
उल्लू आदि पशु पक्षी कोई सा भी हो उनके नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा हो। वस्तुओं के नाम जैसे कि पेन, कंघा, रबड़, पेंसिल, कागज आदि। पदों के नाम कोई सा भी पद हो जैसे कि चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, आदि। पद कोई सा भी हो, अध्यापक को, चपरासी, लिपिक, बाबू, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब जितने भी पद हैं उन पदों के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। संसार में कोई सी भी वस्तु हो, वस्तु के नाम क्यों, क्योंकि वस्तुएं हमेशा क्वांटिटी में बनती है, कभी भी एक वस्तु नहीं बनती है। पेन सिर्फ इसी को पेन नहीं कहेंगे, इसके जैसी जितनी भी वस्तुएं सब हमारे लिए पेन है। तो वस्तुएं क्वांटिटी में बनती है तो हम उसको फिर सभी को एक ही नाम से बुलाते हैं ना। तो वस्तुएं जितनी भी है वो जातिवाचक। पशु पक्षी जितने भी, तोता एक को तोता बोलते हैं, उसके जैसे जितने भी पक्षी है सब तोता, वे सब मैना, शेर, भालू, उल्लू, ये सब क्वांटिटी में है, एक से अधिक के लिए यूज किए जाते हैं शब्द, है ना, तो ये भी जातिवाचक। रिश्तों के नाम मैंने बता ही दिया आपको, रिश्तों के नाम में हमेशा जाति, यानी इन चार चीजों में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी, कंफर्म याद रखना। कौन कौन से, कोई से भी रिश्ते का नाम हो, कोई से भी पशु या पक्षी का नाम हो, कोई सी भी वस्तु का नाम हो, और कोई से भी पद का अगर नाम आता है तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा होगी। अब बात आती है कि क्या जातिवाचक संज्ञा के जो दो उपभेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद कौन कौन से, देखो एक तो होती है द्रव्यवाचक, एक होती है समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्य मैंने बताया, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, तरल हो या गैसीय हो, तीनों अवस्था में जो पदार्थ हैं उनके नाम द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अपन यहां लिखते हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, स्टील, पानी, डीजल, केरोसिन, डामर, शक्कर, रेत, चावल, गैसें, आदि। अब ये सब किसके अंतर्गत आएगी, द्रव्यवाचक के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि देखो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, स्टील, ये सब क्या है, सब द्रव्य है। द्रव्य का मतलब क्या है, ये सब पदार्थ है, और पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थ जो है विद्यार्थियों वो किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थ जो है वो सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली संज्ञा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, देखो समूहवाचक संज्ञा जैसे कि भीड़, दल, समूह, जत्था, जत्था क्या होता है, अच्छे व्यक्तियों का समूह जत्था कहलाता है, गिरोह, सेना, कक्षा, परिवार, गांव, शहर, संसद, विद्यालय, आदि। यानी वे शब्द
जो किसी समूह का बोध कराए, रेवड़ भी आ जाएगा इसमें, रेवड़ 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 होता है भेड़ बकरियों का झुंड, तो रेवड़ जो है वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है हमारी सोना चांदी तांबा पीतल लोहा स्टील पानी डीजल केरोसिन डामर शक्कर रेत चाम, जितने भी ठोस तरल और गैसीय पदार्थ है उन समस्त पदार्थों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक नाम से पता चल रहा है, समूह का बोध कराने वाले शब्द समस्त समूहवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि भीड़ दल समूह जत्ता गिरोह सेना कक्षा परिवार गांव शहर संसद विद्यालय मेला रेवड़ आदि, ये समस्त शब्द जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो आई होप विद्यार्थियों आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा समझ में आई होगी, है ना, तो आप बताएं कमेंट के माध्यम से। इसके बाद हम बात कर रहे थे क्या व्यक्तिवाचक को जातिवाचक और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, रावण लंका का नरेश था, रावण जो है वो लंका का नरेश था, रावण लंका का नरेश था, रावण लंका का नरेश था। अब यहां इस वाक्य में जो रावण शब्द आपको दिख रहा है, ये रावण शब्द कौन सी संज्ञा है, इस वाक्य में जो रावण शब्द आपको दिख रहा है ये रावण शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है, तो रावण शब्द यहाँ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए आया है, यानी किसके लिए, जो लंका का नरेश था, एक व्यक्ति के लिए आया, किसके लिए, जो लंका का नरेश था। तो इस वाक्य में जो रावण शब्द है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आप इस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखो आप इधर, अगर मैं इस वाक्य को ऐसे रखूं, आज घर घर में रावण है, आज घर घर में रावण है, अब ये रावण शब्द जो यहां पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं आया है, उन समस्त बुरे व्यक्तियों का बोध करा रहा है जो रावण जैसी प्रवृत्ति के हैं, यानी एक से अधिक का बोध करा रहा है, तो फिर अब ये व्यक्तिवाचक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब बन गया ये जातिवाचक, क्या बन गया, जातिवाचक। तो आई बात समझ में, व्यक्तिवाचक कहां था, यहां, क्योंकि यहां पर्टिकुलर एक के लिए आया था, लेकिन इस वाक्य में ये रावण शब्द एक के लिए नहीं आया, एक से अधिक के लिए आया, तो एक से अधिक के लिए आया इसलिए यहां तो हो जाएगा ये जातिवाचक और यहां हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक। अब अगर ऐसा देख के ये पूछे, ये देखे पूछे कि इसको व्यक्तिवाचक बनाओ तो ऐसे बना देंगे, और ये देखे पूछे कि इसको जातिवाचक बनाओ तो ऐसे बना देंगे। एक उदाहरण और देखो, जयचंद देशद्रोही था, इस वाक्य में जो जयचंद है कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलर एक की बात की जा रही है तो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसी वाक्य को मैं लिखूं, आज देश जे चंदों से, आज देश जे चंदों से भरा है, अब यहां जो जे चंदो शब्द आया है ये पर्टिकुलर एक के लिए नहीं आया, यहां तो ये एक के लिए आया है, लेकिन यहां उन समस्त व्यक्तियों के लिए आया है जो जे चंद जैसी प्रवृत्ति के हैं, तो फिर यहां ये शब्द जो है क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। तो क्या समझ में आया इसमें, व्यक्तिवाचक से हमने किसमें बदल दिया, जातिवाचक। अगर जातिवाचक देखे व्यक्तिवाचक पूछे तो ऐसे बना सकते हैं, सेम यहां हमने इसको व्यक्तिवाचक में लिखा और यहां हमने इसको जातिवाचक बना दिया, अब ऐसे देखे अगर ऐसे पूछे तो ये बना देंगे और ये देखे ये पूछे तो ऐसे बना देंगे, यहाँ ये जातिवाचक है, यहाँ ये व्यक्तिवाचक है, यहाँ ये जातिवाचक है और यहाँ ये व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक को जातिवाचक और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदला जा सकता है। इसके बाद जो हमारी लास्ट संज्ञा है वो आती है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
अगर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, भाव का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे कुछ उदाहरण मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या, दया, कृपा, ममता, स्नेह, धैर्य, छाया, समाज, शौर्य, निरंतर, लालिमा, ओज, तेज, सौंदर्य, माधुर्य, औदार्य, वैशिष्ट्य, आदि। ये समस्त शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे कि क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या, दया, कृपा, ममता, स्नेह, धैर्य, छाया, समाज, दोस्ती, शौर्य, निरंतर, लालिमा, ओज, तेज, सौंदर्य, माधुर्य, औदार्य, वैशिष्ट्य, सौम्य। ये समस्त शब्द जो, इसके अलावा और भी होती है भाववाचक संज्ञा, लेकिन ये समस्त शब्द जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? भावों के अंतर्गत, यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा जो आज हमने शब्द विचार का पहला जो टॉपिक लिया था संज्ञा, वो संज्ञा वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आई होप विद्यार्थियों आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो, बताएं जरूर। कुछ समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।